अब हम अलंकार के भेद के अंतर्गत अर्थालंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अर्थालंकार क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। यदि हम अर्थालंकार का संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास अर्थ और अलंकार। इसका संधि विच्छेद करने से हमें मिल गया अर्थ धन अलंकार। अब जानते हैं हम अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थ किसका अर्थ? शब्दों का अर्थ। कोई भी शब्द रहेगा उसका तो हम अर्थ निकालेंगे। जैसे कि एक शब्द है हमारा पवन, पवन का अर्थ क्या हो जाएगा? वायु या हवा। जैसे एक शब्द है हमारा रवि, रवि का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य से। तो इसी प्रकार से अर्थ निकाला जाता है शब्दों का। और हम जानते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सौंदर्य होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ सौंदर्य। तो इसके संधि विच्छेद से ही, अर्थ और अलंकार से ही इसका हम परिभाषा का निर्माण करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्द। इसकी परिभाषा हो जाएगी शब्द के अर्थ के कारण। ये जो शब्द है इसका अर्थ के कारण, शब्द के अर्थ के कारण। जब किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? अलंकार के। तो अलंकार में क्या आता है? जितने भी काव्य की कविताएं हैं सभी अलंकार में आते हैं। तो जब शब्द के अर्थ के कारण काव्य की सौंदर्य, काव्य के सौंदर्य, जब शब्द के अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, होती है, तो वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। तो वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। तो वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। ये हो गया हमारा परिभाषा। जब अर्थालंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अर्थ और अलंकार। अर्थ किसका अर्थ? शब्दों के अर्थ। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्य। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगा हमारा? शब्द के अर्थ के कारण जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण हो जाएगा कि मुख, मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसका एक मैंने उदाहरण लिख दिया। अब दरअसल बात क्या है कि मुख यानी कि किसी का चेहरा चंद्रमा सा सुंदर है। यदि किसी का चेहरा सुंदर हो कि मत हो, लेकिन यदि उसकी तुलना हम किससे कर दें? चंद्रमा से, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी की तुलना करने से उस शब्द के अर्थ के कारण उसके सौंदर्य में और वृद्धि हो जाती है। यानी कि यही हमारा परिभाषा भी है, शब्द के अर्थ के कारण जब काव्य के सौंदर्य में और अधिक वृद्धि हो जाती है वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। तो यह उदाहरण किसका उदाहरण है? हमारा अर्थालंकार का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के प्रकार के बारे में। अर्थालंकार जो होता है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लगभग 25 से 30 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इसके कुछ महत्वपूर्ण गिने चुने प्रकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हमारा पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे है हमारा रूपक अलंकार। दूसरे नंबर पे रूपक अलंकार। तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया अर्थालंकार के अंतर्गत। चौथे नंबर पे हो गया हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार हमारा चौथे नंबर पे हो गया। पाँचवें नंबर पे हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार ये हो जाएगा हमारा पाँचवें नंबर पे, अतिशयोक्ति अलंकार। और छठवें नंबर पे हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार हमारा छठवें नंबर पे हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार।
तो ये प्रमुख हैं, ये हमारे प्रमुख छह हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं जो हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में अगले वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा।